सर, गणेश फेस्टिवल चल रहा है अभी और हिंदुस्तान का पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव जिन्होंने शुरू किया श्रीमंत बाबूसाहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट के आज आप विश्वस्त और उत्सव प्रमुख हैं। तो हर साल हमें सेलिब्रिटीज़ बहुत देखने को मिलता है। वैसे पुनीत बालन सर के साथ पूरी मराठी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है अच्छे खासी जुड़ी हुई है, तो इस साल हमें क्या चेहरे दिखाई देंगे सेलिब्रिटीज़ के या फिर कुछ अलग तरीका रहने वाला है? जैसे आपने बोला बिल्कुल, पिछले जब से मैंने इस ट्रस्ट की दौर मेरे हाथ में ली, कमान ली, तो काफ़ी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। क्योंकि ये ट्रस्ट कहाँ तो भी कुछ रीजंस की वजह से साइडलाइन था, लेकिन वो सब वाद जो था वो सब ख़त्म हो गया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि लाखों भाविक और बहुत से डिवोटीज़ का ये श्रद्धा स्थान हुआ है, तो ये तो आती ही है। सेलिब्रिटीज़ तो वैसे भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में संबंध है तो सभी आते हैं। इस बार थोड़ी अलग हम लोग ने किया है कि जो सेलिब्रिटीज़ आएंगे वो आएंगे ही, बट हमारे क्योंकि गणेश उत्सव का जो मूल रहता है वो धार्मिक और परंपरा, तो धर्म के प्रति धार्मिक कार्य इसको देखते हुए हम लोग ये गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी स्पिरिचुअल जो रहते हैं, मतलब जया किशोरी रहेगी, गौर गोपाल दास रहेंगे, आज आचार्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज हैं, नासिक डिंडोरी के मोरे गुरु जी है, घैसास गुरु जी है, फामदास स्वामी सज्जनगढ़ के जो प्रमुख हैं, तो ये सब लोग एक एक दिन इस आरती में तो आएंगे ही आएंगे। सेलिब्रिटी भी दिखेंगे, स्पिरिचुअल भी दिखेंगे, इस साल इलेक्शन है तो पॉलिटिशियंस भी आएंगे।